सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अपनी कमजोरी उन्हें ही बताएं जो हर हाल में मजबूती से आपके साथ खड़े हो, क्योंकि रिश्ता हो या मोबाइल, नेटवर्क ना होने पर लोग गेम खेलने लगते हैं। वही जिंदगी में बड़ी सफलता को पाता है जो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाता है। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं तो यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करे जिनकी शक्ल खराब है। आज का पंचांग 30 जनवरी 2022 दिन रविवार, मांग मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 5:29 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र रात्रि 12:22 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:46 से 6:08 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:18 से 1:02 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर सुबह 5:46 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। मीन राशि 30 जनवरी 2022 दिन रविवार, हाल ही में हुई किसी हानि या नुकसान से आप अकेला और खीर महसूस कर सकते हैं। नए ज्ञान को हासिल करने के लिए आध्यात्मिकता या अलौकिक शक्ति के बारे में जाने, अधिक जोखिम लेने या मूर्खतापूर्ण कार्य से बचे, बदलाव जरूरी है, इसके लिए तैयार रहें। आपका मूड आज खुशनुमा रहेगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे और मदद करेंगे। नम्रता के साथ थोड़ा धीरज आपके काम को और भी आसान बना सकता है। खुद पर और दूसरों पर विश्वास करना आज का मंत्र है। चांद पर लक्ष्य साधो, अगर आप चूक भी गए तो आपका निशाना तारे पर लग सकता है। पिछले कुछ समय से चल रहा पारिवारिक वाद विवाद का हल निकलेगा और घर में सुकून और शांति भरा वातावरण बनेगा। किसी मुश्किल से मुश्किल काम को भी आप अपने परिश्रम द्वारा हल करने की क्षमता रखेंगे। थकान के बावजूद आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। नए व्यक्ति के जीवन में आने से आप में अनेक बदलाव होते हुए नजर आएंगे। यह व्यक्ति आपके जीवन में डिसिप्लिन बढ़ा सकता है और आप अधिक मेहनत के बिगड़ी हुई बातों को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। अभी आपको काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। विदेश से संबंधित कामों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। पार्टनर से एक दूसरे की गलतियों से काफी कुछ सीख पाएंगे। पैर दर्द की तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, शक और वहम जैसे नकारात्मक बातें अपने ऊपर हावी ना होने दें, वरना इसकी वजह से पड़ोसियों के साथ कुछ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। क्षमता से अधिक उधार ना लें। इस समय संतान को भी उचित मार्गदर्शन की जरूरत है। बात करते हैं लव लाइफ की। घर का वातावरण सुखद और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। लव पार्टनर को कुछ उपहार देना ना भूलें। छोटी छोटी बातें संबंधों को मजबूत करती है। यह दिन आपके लिए शानदार दिनों में से एक है। हालांकि पिता या किसी खास की बीमारी आपको परेशान कर सकती है। लव के हिसाब से आज आपके सब सपने पूरे होंगे। लंबी चैट हाथों में हाथ लेकर घूमना या एक ड्राइव आपको किसी कल्पना लोक में ले जाएगी। आज आप अपने आप में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस करेंगे। आपके सहकर्मी और दोस्त दोनों आपकी हर काम में मदद करेंगे और साथ ही आपकी तारीफ भी करेंगे। आपका पूरा मूड आज एंजॉय करने का है। आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। अपने प्यार के प्रति भी आपका रवैया आज नम्र रहेगा। बात करते हैं करियर की। अपनी इच्छा और मानसिक शक्ति से आप किसी भी
मुश्किल कार्य को आसान व किसी भी बुराई का सामना कर लेंगी। किसी प्रिय की बीमारी या नुकसान की स्थितियों से आप असहाय महसूस कर सकती हैं। पेशेवर रूप से आज आप खुद को दुनिया के शीर्ष पर महसूस कर रही, लेकिन ऐसे में आपके अहंकार में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपकी सभी योजनाएं पूरी हो रही है और आप खुशी महसूस कर रहे हैं। एक नया रिश्ता बनने के भी आसार हैं। खुद पर और दूसरों पर विश्वास करना ही आज का मंत्र है। व्यवसाय में उचित रणनीति बनाकर काम करने से बिजनेस के काम चलते रहेंगे। किसी कर्मचारी की वजह से दिक्कत भी आ सकती है। आंतरिक व्यवस्था उचित रखने के लिए कार्य क्षेत्र में अपनी उपस्थिति रखना जरूरी है। ऑफिस का माहौल अनुकूल बना रहेगा। बात करते हैं सेहत की। सिर दर्द और सर्वाइकल की समस्या से बचने के लिए तनाव जैसी परिस्थितियों से दूर रहें। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बनी रहेगी। आज का उपाय, आज आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।